नमस्कार दोस्तों, धनाजी इंटरप्राइज में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे पास उसका बॉडी है और उसका स्पेयर पार्ट, इसका से भी जो रोज में स्पेयर पार्ट रहता है वो हमारे पास इसी प्रकार से आया है और ये हमें मोटर इसी प्रकार से मिला है। ठीक है, एक हमारे दोस्त ने हमें ला के दिया है, इसका स्टार्टर निकाल के उन्होंने रख लिया है। हमें बोला है कि स्टार्टर के साथ फिल्ड को इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। हम इसके अंदर किस प्रकार से जो ये स्टार्टर है, बना बनाया हुआ कॉपर का स्टार्टर है, इसके अंदर किस प्रकार से फिट करेंगे और इसके अंदर कौन से नंबर का स्टार्टर डालना चाहिए, वो आप हमारे साथ बने रहे तो आप हम आपको सभी बारी बारी से बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। मैं इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ, बहुत सारे डाले हैं। पहले हमने जो हमारा फील्ड कॉइल रहता है उसके ऊपर किस प्रकार से जो हमारा खाली कॉइल इसके ऊपर किस प्रकार से फिट करते हैं, इसका हमने वीडियो कल ही डाला है। आप जाके चैनल पे चेक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं इसके अंदर आपको स्टार्टर किस प्रकार से डालते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें दोस्तों। देख सकते हो आप इस प्रकार से हमें ये मोटर मिला है। सबसे पहले दोस्तों मोटर के ऊपर के जो चारों पेच है उसको हम खोलेंगे और आपको स्टार्टर कितने नंबर का इसके अंदर डालना है, कैसे पहचाने, उसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ऊपर के सभी टॉप के चारों को दोस्तों आप देखिए इस प्रकार से हमने ऊपर के चारों टॉप के स्क्रू खोल लिया है। अब स्क्रू को बिल्कुल घुमाना नहीं दोस्तों, एक जगह पर रखिए और इस प्रकार से हमने दोस्तों ये ऊपर का बॉल बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। हमने पिछले वीडियो में ही बोला है बॉल बहुत ही ज़रूर है, इस प्रकार से हम आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से देखें, आराम से देखें दोस्तों। दोनों ब्रश कार्बन पट्टी के अंदर हमारे ब्रश अवेलेबल है, इसके अंदर ही अटके हुए हैं। इसको सबसे पहले हम इस प्रकार से निकाल देते हैं बाहर। हाँ दोस्तों, बाहर निकल गया है हमारा ब्रश। हाँ दोस्तों देखिए, ब्रश भी काफ़ी इस प्रकार से हमने दोस्तों दोनों ब्रश को निकाल लिया है। दोस्तों सबसे पहले हमें इस चीज़ को अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से साफ़ करना है। हम इसको साफ़ करेंगे दोस्तों, हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अभी 2 मिनट तो इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा दोस्तों जो आर्मेचर है, हम आर्मेचर को देखेंगे दोस्तों। जो हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर का हमें सबसे पहले इस प्रकार से नाप लेना है कि हमारा आर्मेचर कितने साइज़ का है दोस्तों। हमारा आर्मेचर 38 mm साइज़ का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसका स्टार्टर डाल सकते हैं। आप इस प्रकार से सोचो कि हमारा जो फील्ड का जो साइज़ है 38 mm, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो 38 mm साइज़ है इसका। तो आर्मेचर का और इसका साइज़ लगभग समान ही होना चाहिए। अलग अलग अगर फील्ड का साइज़ 38 है तो आर्मेचर का भी 38 ही रहना चाहिए। तो हमारा दोस्तों फील्ड 38 mm का फुल कॉपर में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। हमारा ये एल्यूमिनियम में नहीं है, आप देख सकते हो हमारा ये फ्रेश कोर है इसका, और जो हमारा वाइंडिंग है ये 38 mm साइज़ में फुल कॉपर में, आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारा 38 mm में फुल कॉपर में है दोस्तों। इसका 3 स्पीड और ये कार्बन, इसका ये कार्बन और ये सीबी स्विच में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो हमारे स्टार्टर है उसके ऊपर के जो ये सभी तार है यहाँ पे हम कार्बन पॉलिश पेपर की मदद से इसके सभी का प्रिंट उतार देंगे ताकि हमारा कंटिन्यूटी बना रहे। सबसे पहले हम इसके वायर को घिस लेते हैं और आपको लेग्स थिम्बल लगा के दिखा दें। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी तार को बारी बारी से अच्छी तरीके से घिस लिया है। इसका मतलब जो हमारा इसके ऊपर का जो पेंट रहता है वो हमने एकदम अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और उतार लिया है। आप देख सकते हो जो आगे का जो भाग रहता है उसको हमें एकदम सही से क्लीन करना है। ठीक है, अभी क्लीन करने के बाद दोस्तों जो हमारा ये ऊपर का जो टॉप है इसको क्या करना है, हमें यहाँ से इस प्रकार से दोनों साइड से जो हमारे ये साइड है, ये साइड इस प्रकार से दोनों साइड से हमें इस प्रकार से अंदर से सभी को वायर को इस प्रकार से निकाल लेना। ठीक है,
अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो यह हमारा बैठ चुका है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तार है हमारा, ये सिंगल वाला, ये सिंगल का लंबा छोड़ के और ये तीन छोड़ के जो हमारे जो छोटे दो वायर है, ये दो वायर है, इसको हमें क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ना है और इसको यहाँ पे जोड़ना है। इसका मतलब हमारा कार्बन का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इसको इस प्रकार से उठा के जो हमारा स्टार्टर है इसके अंदर फिट करना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको उल्टा रख के जो हमारे दो स्क्रू है बड़े वाले, इनको इसके अंदर डाल के सबसे पहले हमें इसको टाइट कर लेना है ताकि हमारा टटर भागे ना या ख़राब ना हो। सबसे पहले फुल टाइट करना है दोस्तों, इसको कभी भी ढीला नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से हमने इसको बड़े स्क्रू की मदद से एकदम फुल टाइट कर लेना है दोस्तों। हमारा एकदम अच्छी तरीके से फुल टाइट हो चुका है, ये हमारा फुल टाइट है। अभी हमारा का स्टार्टर गिरेगा नहीं, एकदम हमारा सही से हो चुका है, ठीक है। अभी हमने इसको इसी प्रकार से उठा रखना है और इसके अंदर आर्मेचर को बैठा देना है। आर्मेचर को इस प्रकार से बैठाएंगे दोस्तों, हमारा सबसे पहले इसके ऊपर बॉल रहेगा, बड़ा वाला बॉल है दोस्तों इसका, और इसके ऊपर खाली एक बूंद ऑयल जाएगा, ठीक है। बाद में इसको स्टार्टर को उठा के इस आर्मेचर के ऊपर इस प्रकार से रखना है। आप देख सकते हो किस प्रकार से मैं रख रहा हूँ, इस प्रकार से आराम से जाना है दोस्तों इसके अंदर। हमारा एकदम सही से बैठ चुका, ठीक है। अभी बैठने के बाद दोस्तों हमें देखना है कि जो हमारा एक आर्मेचर कम्यूटर है, इसको जो हमारा कार्बन पट्टी है, इसका ब्रश एकदम सही से टच होना चाहिए, बीचों बीच। समझ में आया, कार्बन का जो ब्रश है, ये ब्रश हमारे आर्मेचर के खाली इस प्रकार से बीचों बीच लगना चाहिए। इस प्रकार से आपको सेटिंग करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, इस प्रकार से। बाद में इसको हमें इसको इस प्रकार से रखना है, ठीक है। सबसे पहले इस ये जो शाफ्ट है इसको ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे हम, और हमारा ये जो सही से घूमता है क्या इसको देखेंगे, हमारा सही है दोस्तों। अभी इसको जो दोस्तों यहाँ पे जो दो खचा है देख रहे हो, यहाँ पे और यहाँ पे दो खचा है, इसको इसके ऊपर लाना, ठीक है, इसके ऊपर लाना, या इस तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसके ऊपर बैठाएंगे दोस्तों। इसके ऊपर बैठाने के बाद में हमें देखना है कि ऊपर हमारा, इस प्रकार से बैठाने के बाद हमारा आर्मेचर ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, अगर प्ले रहेगा तो हमें यहाँ पे वाशर डालना ज़रूरी है, वाशर डालना ज़रूरी है। हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, प्ले बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से हमें इसके ऊपर रखने के बाद में जो हमारे यहाँ के जो चारों स्क्रू है उसको हम लगा लेंगे दोस्तों। इन स्क्रू को हम बारी बारी से टाइट करेंगे, एकदम एक स्क्रू को फुल टाइट नहीं करना है, बारी बारी से स्क्रू को टाइट करना है, और जब स्क्रू टाइट हो जाए तो बाद में उनको फुल टाइट करना है दोस्तों, ढीला नहीं छोड़ना है इसको भी, नहीं तो हमारा मोटर आवाज़ करेगा। हाँ दोस्तों, हमने सभी स्क्रू को बारी बारी से एकदम फुल टाइट कर लिया है, आप देख सकते हो अभी हमारा मोटर कंप्लीट हो चुका है। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, कि हमारा आर्मेचर एकदम फ्री घूम रहा है कि नहीं। अगर हमारा आर्मेचर फ्री नहीं घूम रहा है तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। हमारा फिलहाल तो आर्मेचर एकदम फ्री घूम रहा है, आप देख सकते हो। अभी क्या करना है हमें दोस्तों, जो ऊपर वाला नट है, जो हमारा ये नट है, एडजस्टमेंट नट है, इसको हमें थोड़ा सा ढीला करना है और इस स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना है दोस्तों। हमारा आर्मेचर फुल टाइट नहीं होना चाहिए, वहाँ तक हमें उस स्क्रू को टाइट करना है। अभी हमारा आर्मेचर टाइट हो चुका है तो हमें इसका थोड़ा सा लूज करेंगे। हमारा आर्मेचर एकदम फ्री होना चाहिए और प्ले भी ऊपर नीचे वाला प्ले नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमारा प्ले नहीं है। अभी हमारा इस नट को यहाँ पे सेटिंग करके फुल टाइट करेंगे। अभी हमारा आर्मेचर भी फ्री है और हमारा ऊपर नीचे वाला प्ले भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा अभी सही हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो तार है इसको यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा कार्बन पट्टी है वहाँ पे हम इस प्रकार से लगा के, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से इसके अंदर, हाँ
लग चुका है। इस प्रकार से हम लगा के इसको लपेट के इसको सोल्डिंग करेंगे ताकि हमारा ये बाद में निकले ना, आसानी से निकले ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लगा लेते हैं। अगर आपके पास दोस्तों सोल्डिंग नहीं है तो आप इसको एकदम अच्छी तरीके से टाइट तरीके से प्रॉपरली इसको लपेटें ताकि ये बाद में मोटर चालू होने के बाद में वाइब्रेशन से निकले ना, ठीक है। इस प्रकार से फुल टाइट करें, उसको ढीला नहीं हो रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमने आप देख सकते हो इस प्रकार से दोनों तरफ से हमने एकदम सही से कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधा यहाँ पे नया ब्रश डालेंगे, अच्छी क्वालिटी का ब्रश डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा ब्रश का जो आगे वाला भाग है थोड़ा सा उसको हम फाइल की मदद से थोड़ा सा घिसेंगे ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से उसको टच हो दोस्तों। अगर हम इस ब्रश को, अब ब्रश बिल्कुल फ्री जाना चाहिए दोस्तों, अटकते अटकते हुए नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ दोस्तों, हमारा ब्रश एकदम फ्री है, इस प्रकार से हमारा ब्रश इसके अंदर जाना चाहिए, नहीं तो ब्रश अटकता हुआ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। इसका आप खास ध्यान रखें। इस तरह का भी ब्रश हम इसको ठीक उसी तरह से बैठाएंगे हमारा। हाँ दोस्तों, ये भी ब्रश हमारा एकदम बिल्कुल फ्री जा रहा है। इस प्रकार से आप दोस्तों हमारा मोटर एकदम परफेक्टली सेटिंग हो चुका है, फिटिंग हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारे तार है इनको, जो तीन और एक चार तार है उनको सबसे पहले थंबनेल लगाएंगे हम दोस्तों। दोस्तों इस वायर को थोड़ा सा उल्टा मोड़ना है इस प्रकार से एक दो बार, और इस थंब को इसके ऊपर लगा लेना इस प्रकार से। देख लिया आपने, इस प्रकार से एकदम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर इस प्रकार से हम थंब लगाएंगे, ठीक है। अभी बारी बारी से हम सभी को इस प्रकार से थंब लगा लेते हैं। हाँ दोस्तों, एकदम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने सभी लेग्स को इसके ऊपर लगा दिया है, आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने। अभी इसको हम सबसे पहले डायरेक्ट मेन में आपको लगा के चेक करके दिखाएंगे कि हमारा एकदम सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों अभी हमने इसको परफेक्ट तरीके से सेटिंग कर लिया है। दोस्तों अभी हमने इसको परफेक्ट तरीके से सेटिंग कर लिया है। अभी हम आपको इसको चालू करके टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारा किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इसके अंदर फिल्ट पाइप को इंस्टॉल किया है एकदम प्रॉपर तरीके से, और इसका कार्बन जो ब्रश भी हमने चेंज किया है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे फिल्ट को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और इसके कार्बन ब्रश को भी बदल सकते हो। तो आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए दादाजी इंटरप्राइज को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं डालू नया वीडियो तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अभी हम इसको मोटर के अंदर फिट करेंगे और कस्टमर को दे देंगे, ठीक। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए धनाजी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।